जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। गोपी बेटा, इसे भी जाकर सोना। वरना बीमार पड़ जाएगी। पापा जी, आप यहाँ कोई देख लेगा तो? लेकिन बेटा, मुझे तेरी भी तो चिंता है। और एक बात, मुझे पूरा यकीन है कि तूने कुछ गलत नहीं किया होगा। अरे जो बच्ची अपने पापा को उनका फर्ज याद दिला सकती है, वो खुद भला अपना फर्ज कैसे भूल सकती है? आप बता क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। जैसी तेरी इच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये पापा तेरे हर सुख दुख में हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखना। चटपटा तो ऐसे रहे जैसे कि काकी जी ने ये सब गोपी के साथ नहीं मेरे साथ किया। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए सेवई लाई हूं। नहीं मां, घर में इतना कुछ हो गया, सब दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। राशि दिख रहा तुम? माँ, मुझे जब इतना बुरा लग रहा है तो राशि को तो और भी बुरा लग रहा होगा। गोपी भाभी तो राशि की बहन है, उसका तो मन ही नहीं कर रहा होगा कुछ मीठा खाने का। राशि, हाँ मम्मी जी, मेरे भी गले से नहीं उतरेगा। अब मम्मी जी, अब आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लाइए, मैं रखाऊंगी फ्रिज में, दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जिगर जी, मैं ये अभी रख के आती हूँ। ठीक है। इस बेवकूफ गोपी की वजह से मुझे इतनी अच्छी जायकेदार चीज त्यागनी पड़ती। गोपी, खिड़की खोल, मैं हूं।
पापी, मैं तुम्हें बधाइयां देने आई हूँ। अरे मेरी मदद के बगैर तूने एक बार में इस घर से फुर्र होने का प्लान भी बना डाला। इसी बात पे मैं जरा मुंह मीठा कर लूं। गोपी, अब इसी तरह तू दो चार और तगड़ी गलतियां कर डाल, इसके बाद तुझे काकी जी धक्के मार के इस घर से पक्का निकाल देंगी। और वैसे भी तूने जो किया वो ठीक ही किया। अरे ऐसे पति के लिए भूखा रहने का क्या फायदा जो तुझे पत्नी ही नहीं मानता हो। गोपी तूने भी बड़ी अक्लमंदी की, कैद में जाने से पहले पेट पूजा कर डाली, अच्छी बात है। राशि, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहां? मैंने मना किया था ना, यहां कोई भी गोपी के पास नहीं फटकेगा। नहीं काकी जी, वो मैं वो क्या हाँ? ओ, अपनी बहन को सेवई खिलाने आई हो? ये तो पहले ही गले तक ठूंस कर अपनी पेट पूजा कर चुकी है, अब तुम ये शगुन की सेवई खिलाकर पूरे परिवार को पाप का भागीदार बना देना चाहती हो? जी वो मैं चुप। एकदम चुप, आगे एक शब्द भी नहीं। राशि जाओ यहां से, निकलो, वरना तुम्हें भी यहां बंद कर दूंगी। जी अहम जी, मॉम तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है मॉम, कहिए। अहम मुझे ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही है कि आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम सही कह रहे थे, गोपी के साथ तुम्हारी शादी कराने का मेरा फैसला गलत था। हाँ मॉम, आपने ठीक कहा, आज तो मैंने भी उसे फोन करके साफ साफ बोल दिया था कि बंद करे अपने उपवास का ये ढोंग, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था कि वो लड़की सिर्फ एक अच्छी बहू होने का ढोंग कर सकती है, लेकिन मन से ना तो उसे मेरी ना आपकी उन्हें इस घर की परवाह है। तुमने गोपी से बात की थी? कब? तभी जब आपने मुझे फोन करके घर आने के लिए कहा था, 10 बजे के करीब, बस उसी के बाद। अहम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने गोपी वहू से क्या कहा? वही जो सच है मॉम, कि ना तो मैं उसे अपनी पत्नी मानता हूं और ना ही जिंदगी भर मानूंगा। मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मैंने तो आज उससे यह भी कहा कि आज जिंदगी में पहली बार आपने मुझे डांटा और काम का छोड़कर घर आने के लिए कहा, ताकि मैं उसका उपवास खुलवा सकूं, वो भी उसके लिए जिसे मैं अपनी पत्नी मानते ही नहीं।
तो मैंने उससे ये भी कहा कि उसकी वजह से सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। गोपी वो उससे पूछो क्या कि अहम ने फोन पर उससे क्या बातचीत की थी, लेकिन क्यों पूछूं? मान लो कि अहम ने ऐसा सब कुछ कहा तो भी इसका ये मतलब तो नहीं है अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा हुआ उपवास यूं ही तोड़ दे। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। मणि टफोर लोई पीड़िनी, ये सती सावित्री की ये झूठी थाली यहां क्यों पड़ी है? इस थाली को देखकर आग लगती है मुझे, आग। कैसी पत्नी है गोपी, पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और कुछ घंटे भूखी नहीं रह सकती है, खाना खाकर अपना उपवास तोड़ देती है। तुमने अभी तक ये थाली क्यों नहीं हटाई? चल इस थाली को फेंक यहां से पहले, वरना मैं खुद कर लूंगी। नानी भाभी आप रहने दीजिए, मैं ये बर्तन साफ करके साफ कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने सारे काम इत्मीनान से निपटाओ। मैं खुद इस थाली को फेंकती हूं। इधर आओ, इधर आओ। यही वजह है ना कि तुम ये प्लेट हटाना नहीं चाहती थी। बताओ सच क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूं मणि, सच क्या है बताओ। हाँ हाँ नानी भाभी, आपने ठीक समझा। गोपी भाभी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। वैसे नानी भाभी, गोपी भाभी ने भगवान भोलेनाथ जी की तस्वीर के सामने एक घूंट पानी पीकर अपना व्रत खोला और उस वक्त उनके पास अहम भाई की भी फोटो थी। वो तो मैं ही मंदिर से ले जाकर उनके कमरे में रख के आई थी उनके ऑफिस से आने से पहले। गोपी भाभी ने व्रत नहीं तोड़ा है नानी भाभी।
मणि अंदर आ। गोपी बहू, गोपी बहू उठो। गोपी बहू उठो। हे भगवान, मणि गोपी बहू तो बेहोश है। जा मणि पानी लेकर आ। गोपी बहू, गोपी बहू होश में आओ। हे भगवान, गोपी बहू, गोपी भाभी। जी आप ठीक तो हो ना? आप तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कि तुमने व्रत तोड़ दिया है? तुमने खाना खा लिया है? झूठ बोला ना? माझी वो मैं, जबकि तुमने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला था, क्यों झूठ बोला? अब चलो कुछ खा लो और खा के अपने कमरे में आराम करना, समझी गई? चलो खा लो। माझी मैं नहीं खा सकती। नहीं खा सकती हो? क्यों नहीं खा सकती हो? मैं जानती हूँ तुमने अहम की तस्वीर को देखकर ही पारंपरिक तौर से अपना व्रत खोला है, सिर्फ पानी पीकर। सच्चू कहूँ चुने हूँ? चल खाना खा लो, खा लो खाना गोपी बहू। तुम ऐसे नहीं मानोगी, नहीं कहकर मुझे पाप की भागीदार बनाओगी। खा लो। तुम अपने हाथ से खा लो, चलो मैं यहीं बैठी हूं जब तक कि तुम पूरा खाना खत्म ना कर लो। एक भी दाना प्लेट में बचना नहीं चाहिए, समझी गई? चलो।